जहाँ तक तालों को वीडियो में आने की है, तो जाहिर बात है मेरा ताल्लुक केपीके के एक इंतहाई छोटे गांव से है। वहाँ पे लड़की को घर के मेन दरवाज़ा क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। पहले जो हम स्कूल पढ़ते थे तो बहुत मुश्किल का सामना होता था, फिर पुलिस ज्वाइन किया, फिर भी लोगों ने बहुत इतराज़ात किए हैं। लेकिन हमारे वालिद की ख्वाहिश थी कि हम किसी पीढ़ के ऐसा बने और मर्दों के साथ शाना बशाना काम करें और ये साबित करें कि बेटियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। जब हमको केपीके में रोज़ ऐसे वाकयात होते हैं कि हमारे वीडियो स्क्वाड के जो भाई हैं तो वो हर रोज़ किसी बम का सामना करते थे, और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे केपी को ऐसी बेटी की ज़रूरत थी जो मर्दों के साथ आके उसको बीडीएस को ज्वाइन करती और उसके साथ मिल के उसका शाना बशाना काम करती और उसका ताकत बनती। और रुखसाना, जब आप ऐसा वाक़या होता है, क्योंकि पहले तो तरबियत से के अमल से गुजरी, अब रियल लाइफ अस हकीकत में कर रहे हैं, तो जब आपको करना पड़ता है तो उस वक्त जहन में क्या गुजर रहा होता है? जब हम बम सूट पहनते हैं तो उसकी जो वज़न है वो हमारे कंधों पे पड़ती है, उससे हमें ये एहसास होता है कि हमने पाकिस्तानी कौम की किस हद तक खिदमत करनी है, अमन और सलामती के लिए हमने किस हद तक काम करना है, और हमें अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए हमें 24 घंटे खुद को रेडी करना होता है। जब किसी वक्त भी कॉल आ सकती है, जी हाँ, कभी भी आ सकती है। जब भी बॉम्ब डिस्पोज कर रहे होते हैं तो वैसे तो कहा ये जाता है, फिल्मों में भी हमने ये देखा है कि एक तार काटनी होती है, लेकिन वो तार अगर गलत कट जाए या वो सही कट जाए, जिंदगी और मौत का एक लम्हे का फर्क होता है उस मौके पर। डर लगता है? नहीं, अल्लाह ताला का जो डर जब इंसान के दिल में होता है तो किसी भी चीज़ से हमें डर नहीं लगता। कोई भी काम ऐसी दुनिया में नहीं है अगर नामुमकिन नहीं है, अगर इंसान करना चाहे तो हर वो काम कर सकता है मेहनत और लगन से। जाहिर बातें हमारी यही होती हैं कि अब मतलब लोगों की जो जानें हैं वो महफूज हो, चाहे हम शहीद भी हो जाए या हलाकत हो जाए, लेकिन जो अवाम है वो महफूज रहे। और वाकई ऐसा है, एक तार नहीं, ही होती है। अब तार जहाँ तक मतलब जितनी पुलिस एडवांस हो चुकी हैं तो इससे ज़्यादा दहशतगर्द एडवांस हैं। अब एक तार की बात नहीं है। अच्छा, कितनी तारें होती हैं? तारें ही मतलब होती हैं या कुछ हाँ, और चीज़ है, तारें कोई और होती हैं, टेक्निक लेकिन है? अभी वो मुख्तलिफ नए नए तरीक़ों से बना रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। और जब जैसे मैं पूछना चाह रही थी कि पहली दफ़ा जब असल हकीकत में आपने डिस्पोज किया था बॉम्ब को, डिसआर्म किया था, तो उस वक्त क्या महसूस हो रहा था? बहुत खुशी हो रही थी और मैं खुद पे बहुत फ़ख्र महसूस कर रही थी कि मैंने एक ऐसा काम किया है कि मैंने पूरी इंसानियत की जान बचाई है और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आई है और अपने वतन की मिट्टी का फ़र्ज़ अदा किया है। और कितने किलो का होता है जो सूट आप पहनते हैं? 75 kg। 75 kg होती जी। है। और आपका अपना वज़न कितना है? मेरा अपना 50। कैसे उठाती हैं? जब वो मैं कहती हूँ कि जो अवाम है ना, जो हमारी ऊपर जो हमारी वर्दी ने जो वो डाला है कि हमने मुल्क की कौम की खिदमत करनी है, तो नामुमकिन नहीं है। मैं एक अच्छी तरीके से उसको केयर कर सकती हूँ। जज्बा अगर सच्चा और बुलंद हो तो फिर वेट की फिक्र नहीं होती।